नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं किडनी खराब होने के लक्षण और इन्हें बचाने के लिए विशेष आहार और परहेज के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको उन आहारों के बारे में जानकारी देंगे जो किडनी रोगियों को खाने चाहिए। दोस्तों, स्वस्थ रहना शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है और इसके लिए जरूरी है कि हम उचित आहार लें। जब किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी होती है तो उसे उसी के अनुरूप भोजन दिया जाता है। इससे रोगी का शरीर और ज्यादा बीमारी की चपेट में नहीं आ पाता। किडनी की बीमारी भयंकर बीमारियों में से एक है। किडनी हमारे शरीर का अहम हिस्सा है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किडनी खून को फिल्टर करके अवांछित पदार्थों को मूत्र के जरिए बाहर निकाल देती है, लेकिन कुछ कारणवश जब हमारी किडनियां खराब हो जाती हैं तो ब्लड को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, तब ये विषैले पदार्थ शरीर में ही इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है। दोस्तों, जब हमारी किडनियां खराब होना शुरू होती हैं, तब हमें इसका पता नहीं चल पाता, क्योंकि किडनियां 70% तक डैमेज होने पर भी ब्लड को ठीक से फिल्टर कर लेती हैं। हम इसका पता KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट करवा के लगवा सकते हैं। दोस्तों, जब हमारी किडनियां खराब होती हैं, तब शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। हमें अपने शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी किडनियां खराब होना शुरू हो गई हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं उन्हीं लक्षणों के बारे में। जब हमारी किडनियां खराब होती है तो मूत्र की मात्रा में कमी आ जाती है। हमें बिना कोई कार्य किए बहुत अधिक थकान महसूस होने लगती है और नींद भी नहीं आ पाती। हाथों, पैरों और चेहरे पर सूजन आने लगती है, मतली और उल्टी भी होने लगती है व भूख भी नहीं लगती। शरीर में खून की कमी हो जाती है और पोटेशियम, क्रिएटिनिन व ब्लड यूरिया का स्तर बढ़ने लगता है और मूत्र में अधिक मात्रा में प्रोटीन आने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी किडनी खराब होने लगी है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं जब हमारी किडनियां खराब हो जाती हैं तब हमें कौन कौन से आहार का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, किडनी के रोगियों को पत्ता गोभी और फूल गोभी व मशरूम का सेवन करना चाहिए। लहसुन और प्याज को आप अपने आहार में जरूर शामिल करें, इससे किडनियों में इन्फेक्शन कम होगा। मूली और शलजम को भी आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। किडनी के रोगियों को अपने आहार में सेब को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होता है और किडनी की बीमारी को बढ़ने से रोकता है। अंडे का सेवन भी किडनी रोगियों के लिए लाभकारी माना जाता है, लेकिन उन्हें केवल अंडे के सफेद भाग का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि पीला भाग खाने से शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। फलों में आप अनानास, लाल अंगूर, ब्लूबेरी खा सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत कम मात्रा में पोटेशियम होता है। किडनी के रोगियों को मोटे अनाज का अधिक सेवन करना चाहिए। उनकी रोटी कम से कम 7 अनाज से मिलकर तो बनी ही होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी किडनी फेल है तो आपको ये सब आहार लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं परहेज के बारे में। जिन लोगों की किडनी खराब है उन्हें धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में चीनी नहीं खानी चाहिए। दर्द निवारक गोलियों का सेवन बिल्कुल ना करें। नमक का सेवन ना करें व फास्ट फूड भी ना खाएं। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का सेवन भी ना करें। किडनी के रोगियों को चाय का सेवन भी नहीं करना चाहिए और उन्हें दूध व दूध से बने किसी भी अन्य उत्पाद का सेवन नहीं करना चाहिए। गेहूं की रोटी और ब्राउन राइस से परहेज रखें। केला, संतरा, कीवी, एवोकाडो, इन सभी फलों से दूरी बनाकर रखें। आपको आलू, अचार, शकरकंद, टमाटर और पालक से भी परहेज रखना है। दोस्तों, ये थी किडनी के रोगियों के लिए जानकारी। अगर आप भी इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो अपनी किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।